अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। पूरी दुनिया में करोड़ों लोग हैं, न जाने कितने आए और कितने गए। आपको पता है कि सबके किस्मत एक जैसी नहीं होती है। इस शख्स को आप देखें, जब इस शख्स के बारे में आप सुनेंगे तो आप भी इस शख्स को दुआएं देने लगेंगे, इस शख्स के ऊपर रश्क करेंगे कि वाकई में इस शख्स ने क्या किस्मत पाई है। आज मैं आपको दो वीडियो के बारे में बताऊंगा, एक तो इस शख्स के बारे में कि आखिरकार इसके साथ क्या हुआ जिसकी वजह से इसकी किस्मत के बारे में मैं आपको कह रहा हूं, और आप भी जब सुनेंगे तो आप भी कहेंगे कि वाह वाकई में इसने क्या किस्मत पाई है। उससे पहले मैं आपको इस वीडियो के बारे में बताऊंगा। इस वीडियो में आपको दिख रहा है कि एक खातून है जो कि इधर उधर घूम रही है। हकीकत में ये घूम नहीं रही है बल्कि अपने बेटे को तलाश कर रही है। ये औरत अल्जीरियान की रहने वाली है। अल्जीरियन एक मुल्क है। इसका बेटा कतर में आया था और काफी दिन हो गए, काफी साल हो गए वो अपने घर लौट नहीं पाया। इसकी वजह कि घर में कभी कुछ प्रॉब्लम हो जाता, जहां काम करता वहां कुछ प्रॉब्लम हो जाता, और इसको छुट्टी भी नहीं मिल पा रही थी। तो जब इसको मालूम हुआ कि मेरा बेटा कतर में है और स्टेडियम में ये सिक्योरिटी गार्ड का काम करता है, तो बगैर बताए ये कतर आ गए। और कतर वालों का आप देखें कि क्या मोहब्बत है लोगों से, कि उन लोगों ने बताया कि आपका बेटा फला जगह है। यानी कि ये औरत आई और आ करके अपने बेटे का नाम बताई और कतर वालों ने बताया कि आपका बेटा फला जगह है, वहां पर आप जाइए और वहां से मिलिए। तो आइए सबसे पहले दोनों वीडियो को देख लेते हैं। सबसे पहले ये माँ और बेटे की वीडियो को देखिए कि किस तरीके से माँ बेटा मिलने के बाद खुशी का इजहार कर रहे हैं और एक दूसरे से गले लग करके रो रहे हैं, जो कि आंखों से आंसू आ रहा है, खुशी के आंसू आ रहा है। तो आप इस वीडियो को देखिए, उसके बाद मैं दूसरी वाली वीडियो भी लगा दूंगा जो मैंने बताया था कि क्या किस्मत पाई है। तो दोनों वीडियो को देखिए, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि यह शख्स आखिर इतना किस्मत वाला कैसे हुआ। بعلم الدخول على الإسلام، خليه أشهد أشهد أن أن لا إله لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا محمدا رسول رسول الله 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 أكبر الله أكبر الله أكبر الله तो दोनों वीडियो को आपने देख लिया। सबसे पहले तो माँ बेटे का कि इन दोनों का प्यार वाकई में, माँ बेटे का जो रिश्ता होता है वो एक अलग ही रिश्ता होता है। बेटा अगर तकलीफ में हो, उस सात समंदर पार ही क्यों ना हो, माँ को पता चल जाता है कि बेटा तकलीफ में है। अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम की माएँ जो जिंदा है सलामत रखे और बाहयात रखे और सेहत याब रखे, और जिनकी माएँ इंतकाल कर चुकी है अल्लाह तबारक व तआला उनको जन्नत अता फरमाए। अब मैं आपको बताता हूं इस नौजवान के बारे में, शख्स के बारे में कि किस्मत वाला कैसे है। दर हकीकत ये एक हिंदू धर्म से ताल्लुक रखता था और ये कतर आया था फीफा वर्ल्ड कप देखने के लिए, एंजॉय करने के लिए। लेकिन इसकी किस्मत इतनी अच्छी थी कि अल्लाह तबारक व तआला ने इसे ईमान की दौलत से नवाज दिया, और आपने वीडियो देखा कि किस तरीके से कलमा पढ़ा और मुसलमान हो गया। इसलिए मैं आपसे कह रहा था कि यह शख्स वाकई किस्मत वाला है। हकीकत में इस्लाम एक इतना खूबसूरत धर्म है और ये ईमान की दौलत इतनी कीमती है कि सबको अता नहीं होता है। अल्लाह तबारक व तआला जिसे चुनता है, जिसके बारे में चाहता है, उसी को ये ईमान की दौलत नसीब होती है। और आज के दौरे हाजिर में बहुत सारे ऐसे मुसलमान हैं जो दीनी तालीम ना हासिल करने की वजह से रास्ते से भटक जा रहे हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने धर्म तब्दील कर ले रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला वैसे लोगों को हिदायत अता फरमाए। और मैं अल्लाह की बारगाह में दुआ करता हूँ
कि ये शख्स जो मुसलमान बन चुका है, इस्लाम में दाखिल हो चुका है, अल्लाह तबारक व तआला इस नौजवान को इस्लाम में कायम और दायम रहने की तौफीक अता फरमाए और शरीयत इस्लाम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। इस वीडियो को जितना हो सके मुसलमानों में जरूर शेयर कर दें। बाकी अगर मुझे बोलने में समझाने में अगर कोई कमी पेशी रह गई हो तो आप जरूर मेरी सलाह करें। और बाकी अगर आप नए हैं चैनल पर तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें।